डोनाल्ड लू ने बड़ा बयान दाग दिया। अमरीकी ऐवान ने नुमाइंदगान की खारजा अमूर कमेटी में पाकिस्तान के इंतखाबात पर समात के दौरान डोनाल्ड लू ने बतौर गवाह अपने बयान में कहा कि साइफर के हवाले से लगाए गए इल्जाम दुरुस्त नहीं हैं। अमरीका या मैं इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किए थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के इल्जाम के दौरान मुझे और मेरे अहल खाना को जान से मारने की धमकियाँ दी गयी। डोनाल्ड लू के जवाब के दौरान कार्रवाई में शिरकत करने वाले एक शख्स की तरफ से इनका मजाक उड़ाया गया जिसने उन्हें झूठा कहा। डोनाल्ड लू ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुतालिक समात के दौरान कमरे में नारेबाजी और शोर शराबे का सिलसिला भी शुरू हुआ जिस पर समात रोकना पड़ी। कमेटी के अरकान ने हंगामा आरई करने वाले अफराद को कमरे से निकालने की हिदायत की। इस दौरान बाज़ अफराद की जानिब से फ्री इमरान खान के नारे भी लगाए गए।